हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल कपूर फैमिली व्लॉग्स। और ये मॉर्निंग का टाइम है और कावे की अभी क्लास चल रही थी, तो अभी उसकी क्लास ब्रेक मिला, अभी वो होमवर्क कर रहा है। और ये देखो यहाँ पे याना अभी सो रही है और अभी वो उठी नहीं है। और अब मैं रसोई में आ गई हूँ और आज मैं बना रही हूँ, और नाश्ते में अभी बन रही है नमकीन सेवियाँ, तो आज मैं नमकीन सेवियाँ बनाऊँगी। और अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई में आलू डाल दिए हैं। आलू पहले इसलिए डाले ताकि आलू थोड़े से पक जाए, क्योंकि फिर आलू कच्चे रह जाते हैं नहीं तो। और अब मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिए हैं, और अभी याना सोई हुई है, इसके पापा तो उठ गए हैं, वो नहाने गए हैं। अब प्याज फ्राई हो जाएंगे तो मैं अभी, और जब प्याज फ्राई हो जाएंगे तो अब मैं इसमें डाल दूँगी मटर। मटर मैंने थोड़े से पहले उबाल लिए थे, और मेरे पास शिमला मिर्च वगैरह नहीं थी, और बच्चे खाते भी नहीं हैं, नहीं तो मैं फिर उसमें शिमला मिर्च भी डाल देती, ज़्यादा कुछ नहीं डाली। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, और इसमें मैं अब थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूँगी, और फिर इसको बस इसमें थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाला है। अब इसको मैं थोड़ा सा पकाऊँगी, थोड़ा सा मैंने अभी इसमें पानी डाला था, और इसमें मैंने अभी टमाटो सॉस डाली है, और अब मैंने इसमें सेवियाँ भी डाल दी है। और सेवियाँ मैं पहले उबालती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिक्स कर दूँगी, और फिर इसको मैं अब प्लेट से ढक दूँगी, और ये भाप भाप से ही बन जाएगी। और देखो मैंने गैस भी अब मैं कम कर दूँगी इसकी, और अब ये बस मैंने अब इसकी प्लेट ढक दूँगी, अब ये भाप में ही हो जाएगी, और 10-15 मिनट में बन जाती है। उबालने से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और अब ये देखो यहाँ पे सेवियाँ मेरी बन गई है, और नाश्ता भी हमारा तैयार हो गया है। और अब देखो सेवियाँ भी बन गई है, और इधर चाय भी बन गई है। और आ जाओ आप भी मेरे साथ नाश्ता कर लो, सेवियाँ खा लो, आप भी आ जाओ। जल्दी खाओ याना। और याना अभी सो के उठ गई थी, और ये देखो याना भी नाश्ता कर रही है और अपने आप नहीं खा रही है ये, है ना। और अभी ये नहाई भी नहीं है, अभी सो के उठी थी, इसको भूख लग रही थी, और अब मैं इसको नाश्ता करा रही हूँ। और कावे उधर देखो, कावे कितना अभी बिजी बंदा है, काम कर रहा है। अभी अभी उसकी क्लास ख़त्म हो गई थी, और अभी वो वीडियो डाल रहा है यूट्यूब पे। अभी उसको ब्रेक मिला था बस 15 मिनट का। और याना भी जल्दी से नाश्ता करेगी, फिर याना को पढ़ाई भी करनी है ना, पोयम याद करनी है, क्योंकि आज कितनी तारीख है, आज शायद होगी 17 होगी, हाँ 16-17 है। इसको भी इस स्कूल में वीडियो बना के इसकी पोयम भी भेजनी है, पोयम याद करें मुँह बंद करके, पोयम भी भेजनी है अभी इसके स्कूल में, है ना। और याना को पोयम अभी याद नहीं हुई ढंग से, अभी मैं थोड़ी देर में अभी इसको पोयम याद कराऊंगी, थोड़ी देर में अभी पोयम याद कराऊंगी मैं इसको, 19 तक भेजनी है। तो चलो फिर मैं इसको नाश्ता करवा लेती हूँ, और इसके पापा जाने वाले हैं काम पे अभी, और मैंने उनका ले रखा है फ़ोन, और मैं इनको फ़ोन दे रही हूँ, क्योंकि एक फ़ोन कावे के पास है, अभी इसकी क्लास होगी, मैंने इनसे थोड़ी देर के लिए फ़ोन ले लिया था। और अब मैं यहाँ पे याना को नाश्ता करके रसोई में आई, मैंने दूध रखा गर्म करने के लिए, और देखो यहाँ पे अब ये दूध फट गया। मुझे लगा ये अजीब सा हो रहा है कि पता नहीं क्या हो गया इसमें, और मैंने चम्मच से देखा तो ये दूध में फट चुका था। और अब देखो 1 किलो दूध है पूरा ये। यहाँ पे दोनों लड़ाई कर रहे हैं, और मैं रसोई में अभी सब्जी बनाने के लिए आई हूँ, और देखो दोनों की लड़ाई होगी। कावे ये देखो, और यहाँ मैंने आपको दिखाया था ना अभी कि दूध फट गया था। अब मैं इसका पनीर ही बना लूँगी, और अब मैं सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि सब्जी है नहीं, और मैं अब सूखे आलू बना रही हूँ, क्योंकि रात को एग करी बनी थी, अब सुबह सेवियाँ बन गई नमकीन वाली, और मैं इनका सब्जी बनाती हूँ सूखे आलू की। और अब तेल गर्म हो गया था, तो अब इसमें मैं हींग डाल दिया मैंने, और थोड़ा सा मैं जीरा भी डाल दूँगी, और उसके बाद फिर थोड़ा सा लहसुन काट के रखा हुआ था मैंने, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और लहसुन अब लाल हो जाएगा, तो मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, और अब प्याज भी ब्राउन हो गए थे, तो मैंने इसमें नमक मिर्च हल्दी डाल दी है। और अभी देखो इसमें मैंने आलू भी डाल दिए, आलू में मैंने पहले ही और अब शाम का टाइम हो गया है, दोपहर में मैं आपसे बात नहीं कर पाई। और अब देखो मैं यहाँ पे मंजी बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि ये मंजी फिर हम बाहर निकाल लेते हैं, यहीं पर रहती है, और क्योंकि रात को बिछाते हैं कावे और याना बहुत गंदे ढंग से सोते हैं, इसलिए हम एक जना मंजी पे सोता है। और अब मैं शाम की झाड़ू लगा रही हूँ। दोपहर में इसके पापा ने मेरे से बोलता कि मैं आ जाऊँगा खाना खाने, जब भी मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई नहीं, तो मैं बच्चों को रोटी के साथ रोटी देती मक्खन के साथ, पर फिर मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई, वो आए भी नहीं।
और अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और देखो बाहर अभी याना आई है, वो छत पे गए हुए थे खेलने, और ये बच्चे ऐसे ही करते हैं जब भी मैं काम करने लगती हूँ, जब भी आ जाते हैं। और अब वो वहाँ से कुछ बोल रही है कि भाई मुझे पानी पीना है, अंदर नहीं आ रही है पर, और अब वो अंदर आ गई है। देखो कभी ऊपर नीचे बस यही होता रहता है इनका। और अब मैं देख यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ तो वो लगाने नहीं दे रही। और अब मैं पोछा भी लगा लिया था, मैं रसोई में आ गई हूँ और मैं अब बना रही हूँ राजमा। और मैंने राजमा सुबह ही भिगो लिए थे। अब इसके पापा अगर मुझे बोलते ना मैं नहीं आऊँगा तो मैं फिर आलू की सब्ज़ी बनाती नहीं। और अब बच्चों को पता चल गया था कि राजमा बनाने हैं, तो अब वो कोई कह रहे कि हमने आलू की सब्ज़ी नहीं खानी है, अब राजमा चावल ही खाने हैं। तो अब मैंने राजमा उबाल लिए थे, बस अब तड़का लगाऊंगी। मैंने टमाटर प्याज पहले ही छिलके रख लिए हैं डोंगे में। और ये देखो यहाँ पे राजमा मैंने उबाल के अलग से निकाल लिए थे। और अब मैं मिक्सी में ये मसाला ग्राइंड कर लूँगी। और मैंने प्याज टमाटर में ही खट्टे ही पीस लेती हूँ। और देखो टमाटर भी मैंने साथ ही काट लूँगी। और अभी मैं अदरक थोड़ा ही डालूँगी क्योंकि गर्मी है, तो मैं अदरक थोड़ा ही डालती हूँ। और फिर लहसुन भी आज मेरे पास कम था, लहसुन भी मैं थोड़ा ही डाली, बस 3-4 ही वो थी कलियाँ थी, तो मैं वही डाल लूँगी। और मैं मिक्सी में मसाला कर रही हूँ, चॉपर भी है पर मैं उसमें करती नहीं हूँ मसाला। मिक्सी में तेल गर्म हो गया था तो मैं इसमें मसाला डाल दूँगी। और मसाले में मैं सीटी लगवा लेती हूँ, पहले मैं राजमा उबालती हूँ फिर उसके बाद मसाले में भी सीटी लगाती हूँ ताकि वो अच्छे से हो जाए। और याना देखो यहाँ पे आई है, ये मेरे से फ़ोन मांगने के लिए आई है क्योंकि उसको मैंने सुबह से फ़ोन नहीं दिया था। अब वो कह रही है मम्मी थोड़ी देर के लिए तो फ़ोन दे दो मेरे को। और अब मैं इसमें बस सारे मसाले डाल लूँगी और फिर सीटी। अब मैंने मसाला किया और मैं कमरे में आई तो देखो याना रो रही है, उसको डांट पड़ी है क्योंकि इसने यहाँ पे गिरा दिया है दूध। और आज इसने दूध गिरा दिया है, मेरे को बोल रही थी मैं दूध नहीं गिराऊंगी अपने आप पीऊँगी क्योंकि इसकी बुआ का फ़ोन आ गया था, मैं उनसे बात कर रही थी कुछ। और अब देखो इसने दूध गिराया है ना, और मैंने अभी इसको थोड़ा सा ही डांटा है और ये कैसे रोने लग गई है तेज़ तेज से। अब मैं दोबारा इसको दूध गर्म करके दूंगी और फिर खुद इसको पिलाऊंगी। राजमा चावल तैयार हो गए बनके, याना रो रही थी उसके बाद मैं आपसे बात नहीं कर पाई। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर